Bismillahirrahmanirrahim. Students, some distributed control systems को डिटेल के साथ समझने के लिए एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम को हम कुछ लेक्चर्स में समझेंगे और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए या उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम योकोगावा का DCS आर्किटेक्चर डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे। योकोगावा का सेंटम CS3000 बड़ा वेरी वेल नोन डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है। उसकी कंप्लीट आर्किटेक्चर, उसकी वर्किंग, उसकी फंक्शनिंग डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग जो है सीक्वेंस के साथ इन तमाम लेक्चर्स को सुने तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के हार्डवेयर को देखते हैं कि वो किस तरह से होता है। तो टोटल हार्डवेयर का एक ओवरव्यू अगर समझना हो तो कुछ इस तरह से होगा कि ये आपको फिगर नज़र आ रहा है कि एक बेसिक हार्डवेयर है जो कि एक योकोगावा के DCS का है। इस बेसिक हार्डवेयर को या सिस्टम कंपोनेंट्स को जो उस नेटवर्क में मौजूद हैं DCS के नेटवर्क में, ज़रा सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और फिगर देखते हैं फिर वापस इसकी तरफ आएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। यहाँ बहुत कह रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ कंप्यूटर्स नज़र आ रहे हैं और इसी तरह कुछ और डिवाइसेस भी नज़र आ रहे हैं, तो इनके अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पहले हम एक फिगर देख लें। ये एक फिगर है जो योकोगावा के सेंटम CS3000 DCS का है। ये उसका मॉडल नंबर है और इसका बेसिक आर्किटेक्चर या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इस DCS की किस तरह से है तो आप गौर करें। कुछ आपको कंप्यूटर्स नज़र आ रहे हैं, ये कंप्यूटर जो है इंजीनियरिंग स्टेशन के नाम से नज़र आ रहा है। ये एक ह्यूमन इंटरफेस स्टेशन या एक और डेस्कटॉप कंप्यूटर है और इसी तरह कुछ और टर्मिनल्स भी नज़र आ रहे हैं, कुछ और कंप्यूटर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये तमाम कंप्यूटर्स ईथरनेट के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं, यानी एक नेटवर्क पर मौजूद हैं, जैसे कि किसी भी ऑफिस में तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ईथरनेट। इसी तरह नीचे वाली लेयर में आपको कुछ कैबिनेट्स नज़र आ रहे हैं। ये कैबिनेट असल में वो अलमारियां हैं जिनके अंदर कुछ कंट्रोल स्टेशंस या कंट्रोलर्स या PLCs और दूसरी इंस्ट्रूमेंटेशन इनमें लगी होती है। तो वो कंट्रोलर्स जो उस DCS के हैं वो मुख्तलिफ कैबिनेट्स में लगे हुए हैं, तो उनके साथ भी कम्युनिकेशन करवानी है इन कंप्यूटर्स को, इन इंजीनियरिंग स्टेशंस को या ह्यूमन इंटरफेस स्टेशंस को या डिफरेंट ऑपरेटर स्टेशंस को। अगर इनको कम्युनिकेट करना हो इन कैबिनेट्स के कंट्रोलर्स के साथ, या कैबिनेट में ना लगा हुआ हो कोई और फील्ड कंट्रोल स्टेशन हो, यानी ये कोई और कंट्रोलर हो जो कि यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये तमाम भी कंट्रोलर्स हैं यानी PLCs हैं। आम जुबान में अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं यूँ कहूँगा ये सारी PLCs हैं जो कि कनेक्टेड हैं किसी एक और कम्युनिकेशन चैनल के साथ जिसका नाम हमने VNet रखा हुआ है। ये VNet एक स्पेसिफिक नेम है जो योकोगावा कंपनी ने अपनी कम्युनिकेशन केबल का नाम रखा है। ईथरनेट तो जनरल नाम है, जेनेरिक नेम है तमाम ऑफिसेज में और बाकी जगहों पर जहां कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इनपुट आउटपुट प्रोटोकॉल TCP/IP के तहत वो तो ईथरनेट से कनेक्टेड है। लेकिन अगर इन डिवाइसेस को जो योकोगावा के DCS के डिवाइसेस हैं या PLCs हैं और कंट्रोलर्स हैं कैबिनेट में लगे हुए, इनको आपस में कम्युनिकेट करना है तो योकोगावा का अपना एक कम्युनिकेशन केबल होता है जिसको VNet कहते हैं, ये उसके साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये जो कंप्यूटर्स हैं जिनमें एक इंजीनियरिंग स्टेशन कहला रहा है, यहाँ पे तमाम सिस्टम का कंट्रोल मेन इंजीनियर जो है वो फीड करेगा कि मुझे पूरे सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना है। तो कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है इंजीनियरिंग स्टेशन वाला, ये तमाम PLCs को, DCS के तमाम कंट्रोलर्स को कंट्रोल कर रहा होगा एज ए मास्टर, और जो डाटा वो PLC को सेंड कर रहा होगा, अगर मुझे इस PLC को प्रोग्राम करना है या इस कंट्रोलर को प्रोग्राम करना है तो उस कंट्रोलर से जो प्रोग्राम है वो मैं इंजीनियरिंग स्टेशन से बैठ के यहाँ सेंड कर सकता, और ये जो डाटा यहाँ आएगा या प्रोग्राम आएगा, ये PLC या ये कंट्रोलर जिसमें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स लगे हुए हैं,
वो डेटा फर्दर आगे सेंड करेंगे उस इंस्ट्रूमेंटेशन को जो आपको यहाँ नजर आ रही, प्रोसेस इनपुट्स एंड आउटपुट्स जो इस के बाद, इस लेवल के बाद आगे इंस्ट्रूमेंटेशन लगी होगी। इंस्ट्रूमेंटेशन से मुराद है कुछ सेंसर्स होंगे, जैसे टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, लेवल सेंसर वगैरह, वो इस कंट्रोलर या पीएलसी के साथ लगे होंगे। वो सेंसर्स डेटा इस पीएलसी को सेंड करेंगे और वो पीएलसी डिसीजन लेके अगर कोई आउटपुट जनरेट करेगा तो फिर वही इंस्ट्रूमेंट यहाँ इसी लेवल के बाद जो एक्चुएटर्स लगे होंगे, यानी वाल्व्स हैं, बल्ब्स हैं या डिफरेंट इंडिकेशन अलार्म्स हैं, वो एक्चुएट होंगे पीएलसी के कहने पर, पीएलसी के ऑर्डर पे, पीएलसी के आउटपुट पे। तो इनपुट भी इस कंट्रोलर को जा रहा होगा और आउटपुट भी यहाँ से बाहर आ रहा होगा उस इंस्ट्रूमेंटेशन को, जो इस लेवल के बाद जो यहाँ शो नहीं की गई, लेकिन क्योंकि वो डीसीएस का पार्ट नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंटेशन तो जनरल हर इंडस्ट्री में अवेलेबल है, उस इंस्ट्रूमेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए ये डीसीएस का पार्ट है जो लगाया गया है। और डीसीएस का ये कंट्रोलर पार्ट है, कंट्रोल सारा इस इंस्ट्रूमेंट इस हार्डवेयर से हो रहा है और उसकी मैनेजमेंट इन कंप्यूटर्स की मदद से हो रही है। तो ये कंप्लीट एक हार्डवेयर जो है, दोनों लेवल्स अप एंड डाउन लेवल, ये सारा डीसीएस या डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। ये एक सिंपल ओवरव्यू है। अगर थोड़ा सा इसको मजीद डिटेल से देखें तो वो कुछ इस तरह का फिगर नज़र आएगा, जिसकी हम डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। और अगर मैं इसका आपको फुल स्क्रीन व्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सेंटम CS3000 का कंप्लीट आर्किटेक्चर है। उसमें हमने जो कुछ देर पहले देखे वो ये दरमियान वाला लेवल था और उससे नीचे वाला लेवल, इससे ऊपर जो मैनेजरियल लेवल है वो भी अवेलेबल होता है, जो ईथरनेट से ही कनेक्टेड होता है। ये तमाम ये इंजीनियरिंग स्टेशंस और मैनेजरियल स्टेशंस जो हैं, ये आपस में उस ऑफिस में ईथरनेट के थ्रू कनेक्टेड होंगे, जैसे किसी भी ऑफिस में कंप्यूटर्स आपस में ईथरनेट से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जो इन कंप्यूटर्स के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन होगी वो सारी की सारी योकोगावा की अपने प्रोटोकॉल के तहत जो कम्युनिकेशन केबल डिजाइंड है उसके साथ कनेक्टेड होगी और ये वी नेट कहलाएगी। इस जो नीचे वाली लेयर है जिसमें कैबिनेट्स नजर आ रही हैं, इनमें कंट्रोल स्टेशंस या कंट्रोलर्स या आम जुबान में अगर मैं कहूँ जी पीएलसीज, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स लगे होंगे, तो ये बेजाना होगा। और आगे देख रहे हैं कि कुछ स्विचेस भी नजर आ रहे हैं। एक कम्युनिकेशन केबल को जब दूसरी कम्युनिकेशन केबल के साथ कनेक्ट करना होता है तो दरमियान में एक स्विच के थ्रू वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा नेटवर्क्स हों, छोटे छोटे नेटवर्क्स हों, तो उनको आपस में कनेक्ट करेंगे स्विचेस के थ्रू और राउटर्स के थ्रू। ये कम्युनिकेशन की डिवाइसेस होती हैं, तो ये सब लोगों को मालूम है कि स्विच जो कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। इसी तरह अगर हमें वी नेट से आगे कुछ और आपकी बसेस के साथ, यानी कुछ डिफरेंट प्रोटोकॉल वाली बसेस, कम्युनिकेशन बसेस के साथ कनेक्ट करना होगा, तो आपको ये बस कन्वर्टर मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। और वो बस कन्वर्टर मॉड्यूल जो है वो किसी भी फर्दर सब सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे वी नेट के साथ भी कनेक्ट हो सकती है। ये कन्वर्टर है जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखने वाली डिफरेंट कम्युनिकेशन केबल्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है और एक दूसरे से डाटा ले और दे सकते हैं थ्रू दिस कन्वर्टर। इसी तरह ये हाई फ्रीक्वेंसी बस है और इसी तरह ये आरएल बस है, इसी तरह वीएल बस है। तो ये सारी की सारी जो आपको हार्डवेयर नज़र आ रहा है ये एक डीसीएस कहलाता है। तो अभी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको कुछ समझ आया है कि डीसीएस जो है वो एक कंप्लीट आर्किटेक्चर है, मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइड किया जाता है और मेनली जो है उसका जो लेयर है वो ये कंट्रोल लेयर है, जो जिसमें कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, हार्डवेयर कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, पीएलसीज लगे हुए हैं, उनको कंट्रोल, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक जो मैन पावर है वो इन कंप्यूटर्स के थ्रू उनको देख रही होगी, उनको मैनेज कर रही होगी, और उन तमाम इंजीनियर्स और जो मैन पावर है उसको ऑर्डर्स देने के लिए, मैनेजरियल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए ये अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो अब चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं या हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, और एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर हम इसका
आप जो कंट्रोल देखना चाहें या इसकी अंडरस्टैंडिंग डीसीसी करना चाहें, तो हमारे लिए दो पार्ट बड़े अहम हैं दरम्यान, सब स्पेशली ये जो आपका थर्ड पार्ट। तो इसकी डिटेल में जाते हैं, दोबारा हम उस पीपीटी स्लाइड पे आते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका सिस्टम कंपोनेंट्स कुछ किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। तो ये सिस्टम कंपोनेंट्स ऑफ जो हार्डवेयर है डीसीएस है वी नेट के थ्रू या आईपी नेटवर्क के थ्रू, उसमें आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंट जो आपको डिवाइसेस नजर आ रहे हैं उसमें एचआईएस है, एफएफसीएस है, फील्ड कंट्रोल स्टेशंस हैं, लाइन टू स्विच है और लाइन थ्री स्विच है, इसी तरह वी नेट आपकी केबल है और राउटर्स हैं। तो इनमें आपको यहाँ ये पीआरएम प्लांट रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजरियल फील्ड कम्युनिकेशन सर्विस है, सर्वर है, कंसोल एक ह्यूमन इंटरफेस स्टेशन का है, ये कंप्यूटर्स ही हैं, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले देखा कि एक अपर लेवल है जो बाद में कंट्रोलर्स को कंट्रोल करेगा। ये दरमियान में वही एक सिंपल आप तार लगा लें, ये सारा हटा के अगर आप समझ लें कि एक तार है तो वो भी ठीक है, और ज़रा डिटेल से वो उन्होंने समझाया है, अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ तमाम जो कंप्यूटर्स हैं वो रिडंडेंटली कनेक्टेड हैं इस वी नेट डोमेन के साथ, यानी कम्युनिकेशन केबल के साथ, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा ये जो कम्युनिकेशन केबल है ये वाले वी नेट, ये वी नेट है, या इससे ऊपर वाले पेज पे हमने देखा था कि ये वी नेट है, इसको हमने इस वी नेट केबल को यहाँ सर्कल में शो किया गया है। तो ये है वही एक तार ही, एक लंबी लाइन ही जिसके साथ कंप्यूटर दो लाइनों से कनेक्टेड है कि अगर एक वर्क करना छोड़ दे तो दूसरी अवेलेबल है। इसी तरह हर कंप्यूटर रिडंडेंटली कनेक्टेड है पहली बात, और इसी तरह एक जो आपका सब सिस्टम है यानी ये वाला सब सिस्टम, वो दूसरे एक सिस्टम के साथ आपस में उन वी नेट के थ्रू कनेक्टेड है, दरमियान में स्विच लगे हुए हैं, जैसे कि हमने इस फिगर में भी देखा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा था कि एक वी नेट दूसरे वी नेट के साथ कनेक्टेड है थ्रू स्विच, स्विच नेटवर्क। तो ये जो स्विच्ड हैं ये आपस में ये जो L3SW और L2L3SW, ये आपके पास बस वन साइड और बस टू साइड, बस वन साइड का एक स्विच है जो दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, उसी तरह बस टू का एक स्विच है जो कि दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी आपको रिडंडेंसी नजर आ रही है कि अगर एक वर्क करना छोड़ देगा तो दूसरा वर्किंग में आ जाएगा, ये रिडंडेंसी सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए है ताकि सिस्टम की कंटिन्यूटी डिस्टर्ब ना हो। तो डीसीए सिस्टम में ज़्यादातर इक्विपमेंट रिडंडेंट होते हैं, इसी तरह आपको यहाँ नजर आ रही है तीसरी डोमेन है या तीसरा कोई सब नेटवर्क होगा, जैसे कि यहाँ ये दो कंप्यूटर्स और नीचे वाले दो इंस्ट्रूमेंटेशंस एक नेटवर्क बना रहे हैं, इसी तरह ये दो कंप्यूटर्स और दो इंस्ट्रूमेंटेशन दूसरा नेटवर्क बना रहे हैं, उनकी आपस में कनेक्टिविटी स्विचेस के थ्रू है। इसी तरह कोई तीसरा नेटवर्क होगा जो इस वी नेट डोमेन के साथ, डोमेन थ्री के साथ कनेक्टेड होगा, वहाँ पर भी दो आपको रिडंडेंट स्विचेस नज़र आ रहे हैं। तो ये रिडंडेंसी हर जगह आपको नज़र आएगी फॉर द सेफ्टी पर्पज़ की कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम बरकरार रहे। इस सिस्टम को जो हम समझ रहे हैं कि हमारे पास जो डीसी सिस्टम है जिसमें मेनली एक आपका कंप्यूटर होता है या कंट्रोलिंग स्टेशन होता है, इंजीनियर स्टेशन होता है, ऑपरेटर स्टेशन होता है, जो मर्जी नाम दे दें, ह्यूमन इंटरफेस स्टेशन होता है, और दूसरे पीएलसीज होते हैं या कंट्रोलर्स होते हैं जिनका मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं, जैसे फील्ड कंट्रोल स्टेशन या वी नेट राउटर्स, ये मुख्तलिफ हार्डवेयर डिवाइसेज हैं जो उनके साथ कनेक्टेड है थ्रू वी नेट केबल या वी नेट डोमेन इन वी नेट और इंटरनेट प्रोटोकॉल डोमेन, आईपी डोमेन जिसे कहते हैं। तो ये मेनली हार्ड जो मेन चीज है डीसीएस के अंदर वो ही है, लेकिन अगर हम फर्दर इसकी डिटेल में जाएं तो हमें नज़र आता है ये जो आपका ह्यूमन इंटरफेस स्टेशन है जो इक्विप्ड होता है विद द सिस्टम बिल्डर्स, ये मेन आपके जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टेशन कह दें या अगर यहाँ मेन इंजीनियर बैठा हुआ है तो ये
ह्यूमन इंटरफेस स्टेशन जो है वो सर्व करता है एज ए ह्यूमन इंटरफेस फॉर ऑपरेशन मॉनिटरिंग एंड इंजीनियरिंग। ये भी ह्यूमन इंटरफेस स्टेशन है, ये प्लांट रिसोर्स जो मैनेजमेंट स्टेशन है ये भी एक्चुअली ह्यूमन इंटरफेस स्टेशन ही है, ये सारे एक ही तरह के काम कर रहे हैं। इसी तरह ये जो आपका डिवाइस है जिसे फील्ड कंट्रोल स्टेशन कहते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हार्डवेयर है, तो इम्पोर्टेंट हार्डवेयर में आपको ये फील्ड कंट्रोल स्टेशन भी हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। और फील्ड कंट्रोल स्टेशन परफॉर्म्स प्रोसेस कंट्रोल एंड मैनेजेस कम्युनिकेशन विद द सब सिस्टम सच एज PLCs। ये बताते खुद भी एक बड़ा PLC है, कंट्रोल स्टेशन है, इसमें भी उसी तरह कंट्रोलर और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं और ये आगे छोटे छोटे PLCs के साथ फर्दर कम्युनिकेट कर सकता है और आगे छोटे छोटे PLCs भी इसके साथ कनेक्ट होते हैं या किए जा सकते हैं, लाजमी नहीं हो, हो भी सकते हैं अगर ज़रूरत हो, और अगर ज़रूरत ना हो इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ी सी हो तो फिर वो इंस्ट्रूमेंटेशन डायरेक्टली इसी फील्ड कंट्रोल स्टेशन के साथ ही कनेक्ट कर दिया। इसी तरह ये आपको जो स्विच नज़र आ रहा है जिसकी यहाँ शेप नज़र आ रही है ये सिंपल वही स्विच है जो आम नेटवर्किंग में यूज़ होता है, और ये लेयर टू स्विच जो होता है ये कनेक्ट करता है डिवाइस को, डिवाइस टू कनेक्ट इक्विपमेंट विद इन द VNet IP। आपको नज़र आ रहा है ये जो स्विच है ये इन हार्डवेयर डिवाइसेस को ऊपर वाले स्टेशंस के साथ और इनको आपस में भी कनेक्ट करता है, यानी कम्युनिकेशन इनके आपस में भी हो सकती है और इस FFCL की ऊपर कंसोल टाइप HIS के साथ भी हो सकती है और ये सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं जो जिसके साथ नीचे वाले आपस के साथ, नीचे वाले ऊपर वालों के साथ जैसे मर्जी कम्युनिकेट करना चाहें पॉसिबल है। इसी तरह ये आपके दो स्विचेस जो लेयर 3 स्विच है, ये लेयर 1 स्विच है और अगर दो लेयर्स के दरमियान में कोई कनेक्टिविटी करनी हो दो डोमेन्स के दरमियान में तो उसे लेयर 3 स्विच कहते हैं। ये भी रिडंडेंट होते हैं जैसे पहले तस्करा हुआ। और लेयर 3 स्विच जो है वो जनरल पर्पस लेयर 3 स्विच है तो यूज होता है टू कनेक्ट VNet डोमेन्स इन ईच बस, हर बस के अंदर ये भी एक बस है, ये भी इनके दरमियान में कनेक्टिविटी की जाती है और रिडंडेंट कनेक्टिविटी अगर एक भी एक हटा दिया जाए फिर भी वर्किंग जारी रहेगी लेकिन रिडंडेंसी रखी जाती है ताकि कोई अगर फेल हो जाए तो दूसरा वर्किंग में फौरन आ जाता है। और ये जो VNet राउटर है ये राउटर ये फर्दर आप आगे कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज करते हैं। द VNet राउटर इज द हार्डवेयर डेडिकेटेड टू कनेक्ट अ VNet IP डोमेन एंड अ VNet VLNet डोमेन, यानी रिमोट डोमेन के साथ किसी और DCS सिस्टम के साथ किसी और सिस्टम के साथ जो है कनेक्टिविटी करने के लिए हम ये राउटर यूज़ करते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो भी योकोगावा का ही सिस्टम हो ताकि VNet उसके साथ VNet के साथ ही कम्युनिकेट कर सकता है। आगे चलते हैं, ये एक और उसी फिगर को हम थोड़ा सा मजीद डिटेल से एलेबोरेट करते हैं। आपको नज़र आ रहा है ये APCS या GSG या SIOS जो है ये लिखा हुआ है, तो APCS जो है ये आगे इसको हम डिटेल से समझेंगे लेकिन अभी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए कि इट इम्प्लीमेंट्स कंट्रोल फंक्शंस विद अ जनरल पर्पस PC, यानी ये जो डिवाइस है ये एक सिंपल जो PC होता है उसके साथ इंटीग्रेट होते हुए उसकी हेल्प से ये कंट्रोल फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करता है और ये अल्टीमेटली VNet डोमेन के साथ कनेक्टेड होता है। इसका मकसद ये होता है कि हम एडवांस कंट्रोल को जो है इम्प्लीमेंट करें जो कि उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करें प्लांट की या सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, तो इनकी इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल में जाएंगे। इसी तरह आपको GSG जो यहाँ नज़र आ रहा है GSGW ये भी यहाँ पर APCS की बजाय एज ए GSGW भी डिवाइस हो सकता है विद अ जनरल पर्पस PC कनेक्टेड टू द VNet IP। और वही बात कि जनाब यहाँ पर भी ये जो चीज़ है ये जनरल पर्पस PC के साथ कनेक्टेड होगी और GSGW पैकेजेस कैन कलेक्ट एंड सेट वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा फ्रॉम सब सिस्टम्स यूजिंग OPC DA सर्वर। ये अगली स्लाइड में इंशाल्लाह हम OPC सर्वर को समझेंगे। तो ये जो डिवाइस है ये कंप्यूटर इसके साथ इंटरफेस्ड होता है, ये आगे इंस्ट्रूमेंटेशन से डाटा ले भी सकता है या किसी सब सिस्टम से फर्दर आगे जो इसके साथ सिस्टम कनेक्टेड होते हैं
उनसे डाटा ले भी सकता है, उनको डाटा सेंड भी कर सकता है विदाउट क्रिएटिंग डेडिकेटेड कम्युनिकेशन प्रोग्राम, कि इसके लिए हमें कोई अलग कम्युनिकेशन प्रोग्राम फर्दर डिजाइन या डिवेलप नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये डाटा उनसे तमाम सब सिस्टम से जो उसके साथ इंटरफेस्ड होंगे गेट भी कर सकेगा, उन्हें दे भी सकेगा। या इसी तरह SIOS सिस्टम इंटीग्रेशन OPC स्टेशन, ये भी उसी तरह डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। अ कमर्शियल ऑफ द शेल्फ PC, ये भी स्पेशल कमर्शली डिजाइन शेल्फ PC है दैट इंटीग्रेट्स अदर कंपनीज प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स विद अ सेंटम VP, कि अगर कोई और किसी और कंपनी का बना हुआ आगे कोई सिस्टम लगा हुआ है तो उसको इसके साथ हम इंटरफेस कर सकते हैं। प्लांट रिसोर्स मैनेजर जो स्टेशन है उसकी अगर बात करें तो प्लांट रिसोर्स मैनेजर टूल इज डिजाइन टू रिड्यूस द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, जिसको हम TCO भी कहते हैं। प्लांट को जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम TCO टर्म यूज कर रहे होते हैं, तो TCO से मुराद है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप ऑफ द प्लांट बाय फुली यूटिलाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ हाईली फंक्शनलाइज्ड फील्ड कम्युनिकेशन एंड डिवाइसेस एंड रियलाइजिंग द एफिशिएंट डिवाइस मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। मतलब ये है कि ये जो मेन कंप्यूटर है ये तमाम डिवाइसेस की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, उनकी मैनेजमेंट, उनका कंट्रोल, उनकी टाइम ऑफ यूज और मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज को यूज़ करता है। इसके पास तमाम पावर्स होती हैं कि ये उनको प्रायोरिटी सेट करते हुए उनको कंट्रोल करता है और मिनिमम मैन पावर के साथ, मिनिमम स्टाफ के साथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम बेनिफिट गेट करने की कोशिश की जाती है यूजिंग प्लांट रिसोर्स मैनेजर सर्वर की तरफ से या स्टेशन की तरफ से। नेक्स्ट, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो VNet IP डोमेन है ये एक जो VNet IP डोमेन है जो येलो कलर की नजर आ रही है, कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट सबसेट्स ऑफ Bus 1 and Bus 2। आपको नजर आ रहा है कि इसके साथ दो Bus 1 और Bus 2 लगी होती हैं जो रिडंडेंसी के लिए हैं, और सेंट्रल VP जो आपका योकोगावा का DCA जिसका हम पढ़ रहे हैं, जिसका तस्करा कर रहे हैं, ये तकरीबन 16 डोमेन्स को कनेक्ट कर सकती है। VNet डोमेन्स अगर हों या कम्युनिकेशन केबल्स हों, यानी 16 सब सिस्टम्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस प्रोटोकॉल के थ्रू। VNet के जो प्रोटोकॉल है या योकोगावा का जो DCS है उसमें 16 सब सिस्टम्स एक दूसरे के साथ स्विचेस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। XOPC, एक OPC सर्वर इसमें इंस्टॉल होता है या एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम OPC सर्वर कहते हैं। OPC सर्वर असल में एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो किसी भी एक कंप्यूटर के अंदर एक अच्छी बैंडविड्थ, एक अच्छी स्पीड रखने वाले प्रोसेसर या कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्टोर होता है, वो सॉफ्टवेयर जिसको हम सर्वर कहते हैं, OPC सर्वर कहते हैं। इसकी डिटेल में हम अगर अगली स्लाइड में पहले देख लें तो फिर वापस आते हैं। ये OPC सर्वर जो है उस कंप्यूटर में, ये जो मैंने डैश्ड लाइन शो की है ये एक कंप्यूटर को शो किया जा रहा है जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, और उस विंडोज़ के अंदर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया होता है जिसको OPC सर्वर कहते हैं। ये सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल्ड है विंडोज़ में। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम PLC जो सिंपल प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है उसके साथ डाटा उसको सेंड कर सकते हैं, उससे डाटा रिसीव भी कर सकते हैं। यानी जब भी PLC से डाटा लेना होगा तो हमें OPC सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा उस कंप्यूटर में, फिर हम एक कार्ड लगाएंगे जो उस PLC से डाटा ले और दे सकेगा, और फिर PLC जो है उस इंस्ट्रूमेंटेशन को, चाहे वो वाल्व है, मोटर है, बल्ब है, रिले है, जो जिसको भी उस PLC ने कंट्रोल करना है, तो PLC को डाटा आप कंप्यूटर से भेजेंगे, जो कोड भेजेंगे उस कोड के थ्रू वो आगे हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकता है, और अगर इंस्ट्रूमेंटेशन लगी है तो डाटा ले भी सकता है, और ये डाटा जो PLC के पास आ गया, PLC डाटा आगे सर्वर के थ्रू, OPC सर्वर के थ्रू आपके कंप्यूटर्स को तमाम टीम पे सेंड कर सकता है। और ये जो OPC सॉफ्टवेयर सर्वर है, OPC का सॉफ्टवेयर है, उस कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ये ईथरनेट केबल के थ्रू हम मुख्तलिफ PLC, जैसे कि आपको नजर आ रहा है सीमेंस का S5 PLC है, सीमेंस का S7 एक PLC है यहाँ लगा हुआ है, एलन ब्रेडले का है, वागो का है, और इसी तरह और PLCs, मिट्सुबिशी का है वगैरह वगैरह, सारे PLCs जो आपको नजर आ रहे हैं ये
सिंपल ईथरनेट कम्युनिकेशन केबल के थ्रू हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हमने उस कंप्यूटर में, तो हम इन तमाम का डाटा सेंड भी कर सकते हैं और इन तमाम की तरफ डाटा रिसीव भी कर सकते हैं पीएलसीज की तरफ इस कंप्यूटर को। और फिर ये जो कंप्यूटर है ये आगे मुख्तलिफ टर्मिनल्स को, यानी ये जो ओपीसी सर्वर बना हुआ कंप्यूटर है, ये आगे मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को, मुख्तलिफ लोगों को डिफरेंट डाटा, बार ग्राफ्स, चार्ट्स, एक्सेल डाटा, एक्सेस डाटा, फिगर्स, ये सारे सेंड कर सकता है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे। तो इस सिस्टम में पीएलसी से डाटा लेने और देने के लिए हमें ओपीसी सर्वर की ज़रूरत और या ओपीसी सर्वर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करें इस एक्सा ओपीसी की, जो कि कंप्यूटर का नाम है जिसमें सॉफ्टवेयर या ओपीसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, प्रोवाइड्स ओपीसी सर्वर फंक्शंस टू एनेबल एप्लीकेशंस इन अ सुपरवाइजरी पीसी या सुपरवाइजरी कंट्रोल, जो आपका सिंपल कंट्रोल होता है जिसमें सुपरवाइजर्स बैठे होते हैं या ऑपरेटर्स बैठे होते हैं, वो उनको डाटा सेंड कर रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि ओपीसी जो है डाटा रिसीव करता है, ये कैसे डाटा रिसीव करेगा, ओपीसी उस ईथरनेट या उस वीनेट के साथ डाटा सेंड करेगा और डिफरेंट डिवाइसेस को, और ये डिवाइसेस आगे कनेक्ट होंगी पीएलसी और इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ, तो वहाँ से डाटा रिसीव करेगा इस ओपीसी में। अगर ये ओपीसी फर्दर आगे किसी कंप्यूटर को, किसी प्रोग्रामिंग स्टेशन को, किसी सर्वर स्टेशन को, ऑपरेटर स्टेशन को ये डाटा, ये जो ओपीसी है ये डाटा सेंड कर देगा। मुख्तलिफ डाटा हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं वगैरह। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द कंट्रोल लेयर एंड अ बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग लेयर, यानी नीचे जो है वो कंट्रोलर्स लगे हुए हैं और कंट्रोलर्स, और इससे ऊपर जो है वो बिजनेस करने वाले मैनेजर्स, डिसीजन करने वाले, डाटा गेट करने वाले, डाटा यूटिलाइज करने वाले लोग बैठे होंगे जिन कंप्यूटर्स को ये ओपीसी कंप्यूटर जो है वो डाटा सेंड कर रहा है। तो बड़े सिंपल अल्फाज में इस चीज़ को बयान करने की कोशिश की। आगे चलते हैं राउटर। आपको यहाँ एक राउटर नज़र आ रहा है। राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है नेटवर्किंग के अंदर जो एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क, अवे नेटवर्क जो काफ़ी दूर हो, उसे डाटा सेंड करता है। राउटर विद सिक्योरिटी फंक्शंस, इसमें सिक्योरिटी भी होती है, फायरवॉल इंस्टॉल्ड होते हैं ताकि आपके सिस्टम को कोई हैक ना कर ले। राउटर विद सिक्योरिटी फंक्शन टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ अ वी नेट आई पी नेटवर्क्स, यानी जो आपके नेटवर्क है इसको वी नेट आई पी नेटवर्क कहेंगे, पूरे नेटवर्क को जिसमें ये डाटा, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है और बाकी उसके डिवाइसेज जो उसके साथ अटैच्ड है। तो वी नेट आई पी नेटवर्क की सिक्योरिटी को मेंटेन रखते हुए जो आपका राउटर है डाटा सेंड भी करता है, यूज टू कनेक्ट द बस टू साइड विद इन एन एक्सटर्नल नेटवर्क सच एज इंट्रानेट, ये किसी दूसरे नेटवर्क के साथ ये राउटर डाटा सेंड भी कर सकेगा और रिसीव भी कर सकेगा। इसी तरह जनरल पर्पस ईथरनेट डिवाइस भी आपकी वीनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जनरल पर्पस ईथरनेट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द बस टू साइड ऑफ द वीनेट आईपी। ये जनरल पर्पस ईथरनेट डिवाइसेस में सिंपल कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, कुछ कोई भी डिवाइस हो सकते हैं। और ये आपको वी नेट राउटर नज़र आ रहा है। ये वी नेट राउटर जो है, ये इसे हम डोमेन 4 का नाम इस वक्त दे रहे हैं। डोमेन से मुराद जस्ट नेटवर्क है, वो आपका अब ये चौथा नेटवर्क आ गया। आपने देखा पहले डोमेन 1 थी, डोमेन 2 थी, डोमेन 3 इसी तरह डोमेन 4। ये राउटर किसी डोमेन चौथे नेटवर्क के साथ भी कम्युनिकेट, यानी एक पीएलसी जब कम्युनिकेट करना चाहता है या एक कंप्यूटर जब कम्युनिकेट करना चाहता है किसी दूसरे नेटवर्क के, किसी पीएलसी के साथ, कंट्रोल स्टेशन के साथ या कंप्यूटर के साथ, तो वो इस राउटर के थ्रू ही डाटा ले और दे सकेगा। ओके, द अपर प्रोटोकॉल ऑफ द कंट्रोल कम्युनिकेशन वी नेट आई पी इज कंपेटिबल विद द वी नेट। जो ऊपर वाले हैं ये सारे के सारे इसके साथ कंपेटिबल है क्योंकि ये योकोगावा के अपने डिजाइंड है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हमने जनरल आर्किटेक्चर ऑफ द डीसीएस सिस्टम, सिंपल डीसीएस सिस्टम देखा और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम लेक्चर्स को सीक्वेंस के साथ सुनें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि तमाम लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, और दूसरे दोस्तों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे लाइव लेक्चर लेने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और मैं चाहता हूँ कि लाइव लेक्चर के लिए ये चैनल एलिजिबल हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, तमाम लोग जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।